मौका है उनके लिए जिन्हें लगता है उनके पास वो बात है, जिनके पास दिमाग नहीं है। आह हेनरी, थैंक यू। पर किस लिए? क्या कोई हेनरी को बताएगा कि हम उसके शुक्रगुजार क्यों हैं? यस मिस, थैंक यू हेनरी इतने बदमाश होने के लिए। कैंटीन आंटी मुझे तुम्हारे हिस्से के चिप्स दे देती है। क्या कहा? थैंक यू हेनरी, जब मिस ऑडबॉर्ड मेरे यमी गमी फिज बॉल मुझसे ले लेती है तो मेरे साथ अपना पॉकेट शेयर करते हो। मैं उसे थैंक्स कहना चाहूँगा गेम्स पीरियड में मेरे साथ छुपने के लिए। मुझे भी हेनरी को थैंक यू कहना है क्योंकि वो तो लगता है सभी किसी ना किसी वजह से तुम्हारी शुक्रगुजार हैं हेनरी। अब अपना हाथ नीचे कर दो हेनरी और मिस ऑडबॉर्ड के ऑफिस की तरफ चलते बनो। नहीं, आज मैंने तुम्हें यहाँ देखने की उम्मीद नहीं की थी। यस मिस ऑडबॉर्ड। तो फिर अंदर चले बेटा। यस मिस ऑडबॉर्ड। वेल, मैं तुम्हें यहाँ देखकर सच में बहुत खुश हूँ हेनरी। यस मिस ऑडबॉर्ड। सच में मिस ऑडबॉर्ड? हाँ सच में। एक कहावत है, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही होता है। इस कहावत से तो कई यादें जुड़ी हुई हैं। अब कितने किस्से कहानियाँ सुनाऊं मैं तुम्हें? मैं कुछ समझा नहीं। जरा चुप रहो हेनरी। हाँ तो मैं कहाँ पर थी? ओ हाँ, जरूरी नहीं है कि वो वही होता है, और मैंने तो सोचा नहीं था कि आखिर ऐसा बदलाव आने वाला है। तो तुम क्या कहना चाहोगी हेनरी, बोलो। मैंने पूछा तुम क्या कहना चाहोगे हेनरी? यस मिस ऑडबॉर्ड। गुड, तो तुम अब ऐसे ही रहना। तो फिर कुछ जरूरी काम निपटाते हैं, ओके? यस मिस ऑडबॉर्ड। ये लो। यस मिस ऑडबॉर्ड। और कल इसी वक्त मेरे ऑफिस में आकर रिपोर्ट देना, ठीक है? यस मिस ऑडबॉर्ड। अब तुम जा सकते हो हेनरी। यस मिस ऑडबॉर्ड। हाय हेनरी, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ? हेलो, मेरा नाम है और मैं एक एम्बेसडर हूँ। कितना अजीब है ये। ऐसा क्यों किया हेनरी? नहीं, इसके बाद एक और पेज करना बाकी है। ओ थैंक्स यार। तुम ये ऐसे कैसे कर सकते हो? पर मैंने क्या किया है हेनरी? ये काम मेरा था, मेरा। पर आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? ये काम मेरा था, मेरा, और मैं ही इसका हकदार हूँ। तो फिर लो, तुम ही कर लो चमचे। तुम्हारा ये मजाक अब बिल्कुल भी नहीं चलेगा हेनरी। बॉयज, यहाँ पे इतना नॉइज क्यों है? ओ हेनरी बदमाश बॉय। यस मैडम टूटू। यहाँ पे क्या कर रहे हो बदमाश हेनरी? मेरे लाइंस लिख रहा हूँ मैडम टूटू। और हम मदद कर रहे हैं मैडम टूटू। आ जाओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सुनाती हूँ कहानियाँ जो बिल्कुल है सच्ची। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा एम्बेसडर, बिल्कुल नहीं। ये सब क्या हो रहा था? पता नहीं। तो कैसे हैं आप लॉर्ड हाई मैजेस्टी और एम्बेसडर? कुछ मत कहो ब्रायन। अरे तुम ही मेरे लाइंस कंप्लीट क्यों नहीं कर देते? अरे इसमें हंसने की क्या बात है? तुम पर, तुम्हें क्या लगा ये तुम्हारी लाइंस है हेनरी? तो क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता? क्या नहीं पता? कि तुम एक एम्बेसडर हो। सच में? इस फॉर्म में यही लिखा है, देखो तुम्हारे नाम के लिए स्पेस है। मेरा नाम है हेनरी और मैं एक अम्बेसडर हूँ। क्या मैं एक अम्बेसडर हूँ? अम्बेसडर हेनरी। कूल है कि नहीं कूल? ये तो बहुत ही कूल है।
इसलिए पीटर इतना गुस्सा था, उसे एक एम्बेसडर बनना था। एम्बेसडर एक हाई रैंकिंग ऑफिसर जो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। पर हेनरी के पास कोई कंट्री नहीं है। कोई बात नहीं, मैं एक एम्बेसडर हूँ। तो चलो एम्बेसडर हेनरी, जाकर सबको बताते हैं। क्या तुम्हारे लाइंस हो गए बदमाश हेनरी? जरूरत नहीं मैडम टूटू, मैं एम्बेसडर हूँ। ओह बदमाश बच्चा, इसका कुछ नहीं हो सकता। देख कर नहीं चल सकते बेवकूफ। तुम देख कर नहीं चल सकते, एम्बेसडर आ रहा है। एम्बेसडर, ये एम्बेसडर। मुझे बताओ किस चीज के एम्बेसडर हो? सिर्फ एम्बेसडर। बस करो हेनरी, सब जानते हैं कि हर एम्बेसडर किसी चीज का होता है। शायद तुम बेवकूफों के एम्बेसडर हो, या शायद बुद्धुओं की टोली के एम्बेसडर हो। या फिर हेनरी, तुम तो बंदरों के भी एम्बेसडर हो सकते हो। चुप रहो लिंडा, मैं सोच रही हूँ। तुम उनके एम्बेसडर हो जो खुद नहीं जानते कि वो किसके एम्बेसडर है। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा मार्गरेट। अच्छा था मार्गरेट। ब्रायन, तुम जानते हो मैं किसका एम्बेसडर हूँ? पता नहीं, पर शायद यहाँ आपका जादू चल जाए। वो चिप्स यमी थे। हाँ, हम सबको दो दो प्लेट भी मिल गए। ये तो एम्बेसडर का कमाल है। हाँ, तो तुम यहाँ हो हेनरी? यस मिस बैटलैक्स। तो बताओ तुम्हारी एम्बेसडरशिप कैसी चल रही है? ठीक मिस बैटलैक्स। कुछ अच्छे रिसाइकलिंग आइडियाज मिले हैं हेनरी? रिसाइकलिंग मिस बैटलैक्स? रिसाइकलिंग वो आज का थीम है, क्यों है कि नहीं? रिसाइकलिंग वो रिसाइकलिंग कूल। क्या ये कूल है रिसाइकलिंग? हाँ रिसाइकलिंग, कितनी बार दोहराओगे? सच में मुझे लगता है कोई भी रिसाइकलिंग आइडियाज के बिना तुम रिसाइकलिंग के एम्बेसडर कैसे हो सकते हो? तो मिस ऑडबॉट का मतलब यही था हैं? जब मुझे लाइंस दिए और ये क्लिपबोर्ड, उन्होंने मुझे कहा कि कल आकर उन्हें ये रिपोर्ट दे दूँ। हाँ। फिर तो तुम्हें रिसाइकलिंग आइडिया सोचने ही पड़ेंगे हेनरी। शायद। चलो हम गेम्स के लिए लेट हो जाएंगे। हमें यहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तो कौन तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा हेनरी? हेलो सर। तुम सब लड़के स्पोर्ट्स फील्ड पर खेलने के बजाय यहाँ डस्टबिन के पास बैठकर क्या कर रहे हो? ये एक एम्बेसडर है सर। हाँ जरूर, क्यों नहीं। मुझे बताओ तुम किसके एम्बेसडर हो हेनरी? रिसाइकलिंग सर। तो तुम यहाँ डस्टबिन के पीछे बैठकर क्या रिसाइकल कर रहे हो? हम ये चॉकलेट्स रिसाइकल कर रहे हैं सर। Hey! मेरा मतलब है hey, सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर एम्बेसडर। अरे यार, ये रिसाइकलिंग तो बड़ा मुश्किल काम है। तो रिसाइकलिंग आइडियाज का काम कैसा चल रहा है हेनरी? हाँ, मैं तो भूल ही गया इस बारे में। जब मैं घर गया, मम्मी ने कहा ग्रॉस गू पॉट्स कभी वॉशिंग मशीन में नहीं डालना चाहिए। अभी के अभी जाओ हेनरी। पर मैंने कहा ना जाओ हेनरी, चाय तुम्हें कल सुबह मिलेगी। इसीलिए मैं किसी नए रिसाइकलिंग आइडियाज के बारे में नहीं सोच पाया। क्या हम गैस रिसाइकल कर सकते हैं? मजाक छोड़ो। गुड लक। थैंक्स राल्फ। तो हेनरी, पहला दिन कैसा रहा? मैं अंदर आओ। ओह पीटर, हमने सोचा कि हेनरी को अच्छा रिसाइकलिंग एम्बेसडर बनाने के लिए उसकी हेल्प करेंगे। बहुत ही अच्छा सोचा पीटर। अरे वाह, देखो तो हेनरी, मैं हमें
हमेशा कहा करती हूँ कि सफाई घर से शुरू होनी चाहिए। नहीं।